रायसेन जिले के बाली तहसील थाने के अंतर्गत इन दिनों नाबालिग लड़कियों के लापता होने से जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों में लगभग 2 से 3 लड़कियों के साथ गुमशुदा एवं बलात्कार जैसी घटनाओं के चलते नगर हिंदू समिति अध्यक्ष छोटू चौहान एवं नगर की जनता ने बाली थाने में ज्ञापन के माध्यम से थाना प्रभारी राजपाल जादून को ज्ञापन सौंपकर आक्रोश जताया है और कड़े लहजे में कहा कि पुलिस द्वारा लगातार गश्त न होने से आए दिन कोचिंग स्कूलों की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। तत्काल ऐसी घटना और शरारती तत्वों पर पुलिस द्वारा अंकुश लगाया जाए, नहीं तो पुलिस की कार्य प्रणाली पर हिंदूवादी संगठन मोर्चा खोलने के लिए बाध्य रहेंगे। जी नाम बताएं आपका। मैं त्रिभुवन ठाकुर, उपाध्यक्ष हूं नगर हिंदू समिति। त्रिभुवन जी, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये के कारण क्या किस संबंध में आपने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, क्या कहानी है? पुलिस प्रशासन का रवैया इस बात से सिद्ध होता है कि आए दिन नाबालिग बच्चियों के साथ जो घटना हुई, अभी एक घटना कुछ एक हफ्ते पहले की है, एक घटना कल रात की है। नाबालिग लड़की गुम हो गई थी और नगर के लोगों के सहयोग से प्रशासन उसमें आया और वो बच्ची का शायद कल वो पता चल गया। ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही हैं और उनमें मुख्य चीज़ है जो कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग सेंटरों के आसपास आवारा लड़के घूमते हैं, उनमें कोई पुलिस का अंकुश नहीं है, इनका कोई राउंड अप नहीं होता। यदि वहाँ राउंड अप हो, उनमें कुछ दहशत हो, तो निश्चित ही उस चीज़ पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो प्रशासन को हमने ज्ञापन के माध्यम से ये सचेत किया है कि आप राउंड अप करें कोचिंग क्लासों को, कोचिंग संचालक जो हैं उनके लिए जो बच्चियां हैं, बच्चियों की कोचिंग छह मतलब अंधेरे होने से पहले पहले ही संचालित करें। धन्यवाद जी। यहाँ पर आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या घटना हुई है और किस कारण आप यहाँ पर ज्ञापन की ऐसी नौबत आई? बारी आए दिन कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है और आए दिन जो घटनाएं घट रही है, इसके लिए सभी संगठनों के लोग मेरे साथ सभी लोग हैं और इसमें पूरे नगर में रोष व्याप्त है कि ऐसी घटनाएं नहीं घटना चाहिए जिसमें बच्चियां अपने आप में मतलब असहाय महसूस कर रही हैं और अपने घरों से निकलना दूभर हो गया है। तो हम प्रशासन से मांग करने आए थे कि आप गश्त बढ़ाएं आपकी और कोचिंग सेंटरों को भी आप दिन दिन में लगवाएं, रात को ना लगवाएं।